नमस्कार दोस्तों, गौरव आर्य, जो कि आपको ध्यान हो, अगर नहीं ध्यान है तो मैं बता देता हूँ गौरव आर्य कौन है। ये वो व्यक्ति है जो कि ड्रग डीलर बताया जा रहा है ना। ये अक्यूज्ड है कि इसकी जो रिया के साथ चैट्स आई है कि ये रिया को ड्रग सप्लाई करता था। रिया और ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं। रिया आज तक के इंटरव्यू में कह देती है, मैंने आज तक कभी ड्रग्स ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन गौरव आर्य को मैं जानती हूँ। अब गौरव आर्य जो कि आज निकल चुके हैं, क्योंकि ईडी ने उनको समन किया, आपको पता हो, तो वो निकल चुके हैं मुंबई के लिए गोवा से, तो रास्ते में है, हो सकता है पहुँच चुके हो अब तक। तो उन्होंने, गौरव आर्य ने अभी तक ये बताया कि वो आज तक सुशांत सिंह राजपूत से कभी नहीं मिले थे। रिया चक्रवर्ती से वो 2017 में मिले थे, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि इन दोनों का रहा है। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और ड्रग्स का भी लेन देन, जैसा कि वो चैट में आपको समझ में आ रहा है कि रिया बोलती है कि मैंने MDMA एक बार ट्राई की है, तो बिल्कुल वो ड्रग्स के बारे में बिल्कुल जानती है। और जो अभी एक ग्रुप की चैट लीक हुई थी, अगर आपको पता हो कि एक ग्रुप चल रहा था इनका, जिसके अंदर ये जॉइंट्स को लेकर बात कर रहे थे, जो ये ड्रग्स यूज करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती दूध की धुली नहीं है। ये सिर्फ एक्चुअल में पता है उसका एक टेडएक्स पे इंटरव्यू है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो, जिसमें वो कह रही है कि इसकी सबसे बड़ी काबिलियत क्या है, इसकी सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट क्या है रिया का। उसमें ये कह रही है कि मैं बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेती हूँ, मेरी सबसे बढ़िया जो क्वालिटी है ना, जो इसकी पावर है रिया की, ये खुद एक्सेप्ट कर रही है टेडएक्स के इंटरव्यू में कि, मतलब इंटरव्यू तो क्या है, स्पीच में, कि ये बता रही है लोगों को वहाँ पे स्टेज पे खड़ी होके कि मेरी सबसे बड़ी पावर है कि मैं लोगों को मैनिपुलेट कर सकती हूँ, मेरे में ये कला है। और उसी कला का इस लड़की ने यूज़ किया सुशांत सिंह राजपूत पे, और आज तक पे जाके अब यही कला का ये यूज़ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो समझ गए इसकी जो चाल है, और अब ये बचती हुई तो नहीं नज़र आ रही है, ये फंसेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अधिकारियों ने, आला कमान जो इसके है ना, आला कमान में किन्हें कह रहा हूँ, जो क्रिमिनल्स हैं, जिनको ये जानती है, उन्होंने डिसाइड कर लिया इसे फंसा दो। मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको फंसाने के मूड में आ चुके हैं। अब गौरव आर्य पहुँचने वाले, देखते हैं वो क्या बयान देता है, ये देखने रहेगा। बाकी रिया चक्रवर्ती तो बुरी तरह फंसती हुई नज़र आ रही है, NCB की पूरे रेडार में आ चुकी है, गौरव आर्य रेडार में है और अब ये रिया चक्रवर्ती भी है। आप समझ सकते हो कि ये कैसे बचेंगे, बहुत मुश्किल है, नहीं बच सकती है लड़की। बाकी मैं चाहता हूँ कि संदीप सिंह को समन किया जाए, क्योंकि उससे अभी तक पूछताछ नहीं हुई है, और वो सबसे बड़ा, मेरे को तो क्रिमिनल माइंड लग रहा है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, समझ रहे हो, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। ये वो व्यक्ति है जो मॉरिशस में रेप करने की कोशिश करता है एक नाबालिग लड़के के साथ, तो आप समझ सकते हो कि ये कैसा व्यक्ति रहा है। इसके ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है कि ये बिहार मुजफ्फरपुर नगर में उस एरिया का रहने वाला व्यक्ति था, जो रेड लाइन एरिया कहा जाता है, जहाँ पे गलत कृत्य होते हैं, जहाँ पे गुंडागर्दी चलती थी, जहाँ पे अंडरवर्ल्ड के लोग रहते थे, है ना, ये वहाँ से आए, तो ऐसे लोगों के बीच में रह चुका है, ये जानता है, और इसकी संग कैसी रही आप समझ सकते हो। तो बिल्कुल ये संदीप सिंह से सवाल जवाब होने चाहिए, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ और ना, सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि, है ना, जब पूछताछ हुई थी पहले दिन, तो CBI ने थप्पड़ मारा रिया को, और बहुत से, मतलब, यूट्यूबर्स ने तो वीडियो बना दी है इस पर, बिना फैक्ट चेक के, बिना सोर्स के, उन्होंने वीडियो बनाना चालू कर दिया कि रिया चक्रवर्ती को थप्पड़ पड़ा है। नहीं पड़ा है, मैं आपको बता दूं, CBI अधिकारी जो होते हैं ना, वो कभी थप्पड़ नहीं मारेंगे पूछताछ में, इन्वेस्टिगेशन में। आपको मैं एक चीज़ समझाऊँ, पुलिस वाले जहाँ पे मारते हैं ना, वो वहाँ पे मारते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि हमको चुगलवा नहीं सकते। CBI इतनी जल्दी नहीं होती, इतनी जल्दी थर्ड डिग्री पे नहीं आती है CBI, मैं आपको बता दूँ, अभी तो पहले लेवल की, दूसरे लेवल की ही पूछताछ चल रही है, और आज तीसरा दिन है रिया से जो पूछताछ हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अभी नहीं मारेगी, है ना, नौबत आएगी तो बिल्कुल वो महिला पुलिस वाले को बुलाएगी, महिला अफसर को बुलाएगी, जो हो सकता है मारना पड़े तो थप्पड़ लगाएगी भी, बट पुरुष नहीं लगाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो बिल्कुल यार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को कुछ भी DM अगर आप करना चाहे तो Facebook, Twitter, Insta पे कर सकते हो। OSKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।